कुछ लोगों को मीडिया में रहने का बहुत शौक होता है, उनको कंट्रोवर्शियल बनने का बहुत शौक होता है, इनको अटेंशन सीकर्स कहा जाता है, यानी कि तवज्जो हासिल करने वाले लोग। ये पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी है। हिंदुस्तान में इस वक्त जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल है और अटेंशन सीकर है, वो एक खातून है, एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, और उनका नाम है कंगना रनावत। कंगना रनावत साहिबा आज से कुछ अरसा पहले अगर हम देखते हैं तो इनका एक बहुत बड़ा नाम था इंडस्ट्री के अंदर, बड़ी ज़बरदस्त फिल्में इन्होंने बनाई और इनको लोग पर्सनली पसंद करते थे। खैर, उम्र गुजर गई और उसके बाद जब इंडस्ट्री को पता चला कि भाई अब हमें इसको कास्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि नए से नए चेहरे सामने आते रहे, तो उन्होंने कंगना रनावत साहिबा को जो है साइडलाइन कर दिया, फारिग कर दिया। और इसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल ट्वीट्स करना शुरू कर दी, मतलब कि डायरेक्टली ये बीजेपी को, यानी कि जो मोदी की जो पार्टी है, सियासी जमात है, जो हिंदुस्तान की इस वक्त की हुकूमत है, हुकूमती पार्टी है, उनको ये सपोर्ट करती रही और कांग्रेस के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आग भड़काती रही। इस पर उन्होंने ट्विटर पर कई मरतबा इजहार किया, इंस्टाग्राम पर किया, और कई मरतबा ट्विटर ने इनको वार्न किया कि आप जो हरकतें कर रही है ये हमारी कम्युनिटी की वायलेशन कर रही है, हमारे रूल्स की वायलेशन हो रही है, तो आप ये मत करें। लेकिन इन्होंने मोदी जी की मोहब्बत में या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल होने के लिए या मीडिया में रहने के लिए ऐसी ऐसी थ्योरियाँ सामने लेकर आती रही। पहले इन्होंने कोविड के हवाले से जो बात की कि जनाब ये कोविड जो है कुछ भी नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, हालांकि हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के सामने है, और ये चीज़ें मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर हम लोगों ने बताया कि जनाब कुंभ का जो मेला है जहाँ पर 48 लाख लोग इकट्ठे हुए, उसकी वजह से ये बीमारी फैली, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, तो मजहबी चीज़ है, वहाँ पर तो भगवान थे, उसकी वजह से कैसे फैल सकता है। फिर इन्होंने यहाँ तक कहा कि जो गाय का पेशाब है ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, आप वैक्सीन मत लगवाए बल्कि गाय का पेशाब जो है वो पीना शुरू कर दे। एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कंगना रनावत साहिबा देती रही और उसके बाद बिल आखिर ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। कंगना रनावत तो हिंदुस्तान की साइड पर है और हमारे साइड पर मोहतरम शोएब अख्तर साहिब है। ये पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, स्टार है, पूरी दुनिया इनको जानती थी, स्पीड स्टार इनको कहा जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस इनको कहा जाता है। हिंदुस्तान के खिलाफ जब मैचेस खेलते थे तो उसके अंदर उनका जोश, जज्बा और गुस्सा वो सबको बहुत ही अच्छी तरह पता है। कुछ अरसा पहले जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेट छोड़ने के बाद पाकिस्तान जो पीसीबी बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसको कहा जाता है, उसमें मुझे कोई ना कोई ओहदा वगैरह, कोई सीट मुझे मिल जाए ताकि मैं वहाँ से अच्छे खासे पैसे भी कमा सकूं और मेरा नाम भी रहे। लेकिन इन्होंने बहुत कोशिश की, पीसीबी ने और जो भी हुकूमत यहाँ पर आई, नून लीग की आई, उसके बाद तहरीक इंसाफ की, एहसान मानी का बोर्ड हो या नजम सेठी का बोर्ड हो, इन दोनों ने मुसलसल ये इनको इग्नोर करके साइड पर रखा। फिर इन्होंने फैसला किया कि जनाब अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, जियो न्यूज़ पर जाके इंटरव्यूज़ देते रहे लेकिन उनका किसी किस्म का कोई नाम नहीं बन सका, तो उन्होंने फैसला किया मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बना लेता हूं। उन्होंने जैसे ही यूट्यूब चैनल बनाया तो सरफराज पर तनकीद करना शुरू कर दी कि ये फारग है, इसको जाया करो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बिल्कुल काम का नहीं है, और बड़े अजीब गरीब अल्फाज इस्तेमाल किए और जाके इंडियन प्लेयर के साथ कंपेयर करते रहे। नो डाउट उस वक्त धोनी जो है इंडियन विकेट कीपर थे, एक अच्छे विकेट कीपर थे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सरफराज को डिग्रेड करें, आप उसकी बेइज्जती करें और सरेआम करें अपने यूट्यूब चैनल पर। आप एक सीनियर प्लेयर है, सीनियर खिलाड़ी है, और सरफराज ने जो परफॉर्मेंस दी T20 में, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने कितने कोई मैचेस जीते, आप जाकर ऑनलाइन रिकॉर्ड देख सकते हैं ICC की वेबसाइट पर, यानी कि शोएब अख्तर की जो बोंगी है वो जाया गई, वो फजूल गई। खैर, उसके बाद भी वो खामोश नहीं हुए और बाबर आजम पर पिछले साल उन्होंने खुलकर तनकीद करना शुरू कर दी अपनी वीडियो में, और वो बाबर आजम को कंपेयर कर रहे थे विराट कोहली से, हालांकि विराट कोहली उस वक्त एक बहुत बड़ा प्लेयर था, आज भी एक बहुत बड़ा क्रिकेटर, बहुत बड़ा बैट्समैन है दुनिया का, लेकिन बाबर आजम ने जिस तरह परफॉर्म किया और अब दुनिया का नंबर वन बैट्समैन बन चुका है और उन्होंने विराट कोहली को भी बीट कर दिया, तो ये जो शोएब अख्तर की ये वाली जो बोंगियाँ थी, ये वाली जितने बयानात थे, ये भी सारे ज़ाया चले गए। जिस तरह से हकीकत टीवी पेशन गोया करता, यही हाल शोएब अख्तर का हुआ, कंगना रनावत साहिबा का हुआ। फिर उन्होंने आजकल रिजवान के ऊपर, जो हमारे विकेट कीपर है, हालांकि कितना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट मैच हो, वन डे हो, T20 हो, हर जगह पर 50 सेंचुरी तो वो मार रहे हैं, और उनके ऊपर भी तनकीद कर रहे थे, ये पहले तनकीद कर रहे थे और अब देखे कि अल्लाह ने उनको भी इज्जत दे दी। ये वो शोएब अख्तर साहिब है जो कि अपने क्रिकेट के दौर में एक दो
ओवर करवा कर फिर बाउंड्री लाइन के बाहर बैठ जाया करते थे। नो डाउट इन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली, बड़े अच्छे मौके पर पाकिस्तान को जितवाया कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में था, लेकिन शोएब अख्तर ने अपनी बॉलिंग के जरिए पाकिस्तान को जितवाया। लेकिन अब जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप आराम से कम बैठ जाए, आप किस तरह के बयान देते? आप ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आप इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान नहीं भी देंगे ना तो भी लोग आपको सुनेंगे, आपको लोग जानते हैं, बजाय इसके कि आप डिग्रेड करें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को और आप कंपेयर करें हिंदुस्तान। अच्छा, शोएब अख्तर की एक बात यह है कि ये हिंदुस्तानी जितने क्रिकेटर्स हैं इंडियंस उनके बड़े फैन हैं, उनके ऑनलाइन इंटरव्यूज भी करते हैं और उनकी तारीफें खुल कर करते हैं, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेटर अगर बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर लेगा ना तो कहेगा कि नहीं यार, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको वहां से आना चाहिए था, इसको वहां से, स्ट्रेटजी नहीं है, प्लान नहीं है, कैप्टनसी नहीं है, फील्डिंग अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, कोच अच्छा नहीं है। अगर अभी पीसीबी ये कहता है शोएब अख्तर को कि भाई शोएब आप अपनी ज़बान बंद रखें, हम आपको पीसीबी के अंदर एक ओहदा दे देंगे, तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि शोएब अख्तर अपनी पुरानी वीडियोस भी डिलीट करेंगे और उसके अलावा जब तक ये ओहदे पर रहेंगे तब तक ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तारीफ करेंगे और हिंदुस्तानी जितने क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर तनकीद करेंगे, लेकिन शायद पीसीबी ऐसा फैसला कभी नहीं लेने वाला। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए जब भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बुरी तरह परफॉर्म करती है, नाकाम होती है, तो उस वक्त जब टीवी शोज वगैरह होते हैं इस हवाले से, जब टॉपिक बन जाता है, मेन इशू बन जाता है पाकिस्तान का, तो उस वक्त शोएब अख्तर को लाइन पे लिया जाता है, उनसे जनाब तजिये करवाए जाते हैं, उनसे ओपिनियन ली जाती है, उनसे जनाब राय ली जाती है कि जनाब आप बताइए क्यों गलत परफॉर्म किया। और शोएब अख्तर वहाँ बैठ कर भी यही बात कर रहे होते, देखे इंडिया ने वहाँ पर इस तरह से खेला, वो वहाँ से इस तरह आगे गए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो फारिग है, ऐसे है तो वैसे है। जब पाकिस्तान जीतता है तो शोएब अख्तर को कोई टीवी पर नहीं बुलाता, आप कभी ये चीज़ नोट करें। अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान इंग्लैंड का दौरा करने वाले हैं, वेस्टइंडीज़ का एक विजिट होने वाला है, फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, तो इस दौरान पाकिस्तान को जहां कामयाबी मिली तो आप देखिएगा कि इसके ऊपर टीवी पर कभी भी ओपिनियन देने शोएब अख्तर नहीं आएंगे। हाँ, पाकिस्तान जब हारेगा या पाकिस्तान को नाकामी होगी किसी तरीके से तो उस वक्त शोएब अख्तर के तजिये और व्लॉग्स और वीडियोस आपको नजर आएंगी। तो इनकी बीमारी सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकर की है, ये एक अटेंशन सीकर है, ये तवज्जो हासिल करने वाले लोग हैं, इनको इनके सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा। अब इनके सिवा अगर ये नहीं करेंगे शोएब अख्तर को भूल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ऐसे हैं, इवन के मुइन खान जो देख लें कि वो अगर पर्दे से बाहर रहते तो हम लोग भूल जाते कि मुइन खान है कौन, हम जानते नहीं, हालांकि 92 के वर्ल्ड कप में वो विकेट कीपर थे। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है, सलीम इलाही है, सलीम मलिक है, अब्दुल रजाक है, अजहर महमूद है, ये बड़े बड़े नाम है, ऑलराउंडर थे दोनों, अजहर महमूद अब्दुल रजाक, लेकिन अब ये उस तरह की हरकतें नहीं करते कि आए टीवी के ऊपर मुतनाज़ा इंटरव्यू दे फिर अपना नाम बनाए। इज्जत के साथ इन्होंने खेला और इज्जत के साथ साइडलाइन हो गए। लेकिन शोएब अख्तर साहब, हालांकि उनको इज्जत के साथ टीम से उनको निकाला गया या छोड़ दिया उन्होंने जिस तरह भी किया, लेकिन उसके बावजूद बाहर बैठकर इस तरह के बयान देना, फिर आप कंपेयर करते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इतना डिग्रेड करते हैं, मेरे नज़दीक ये गलत है। आप एक बड़े स्टार रहे, एक बड़े क्रिकेटर हैं, आपको मशवरा देना चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं नौजवान उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनके ऊपर कहो तू है कौन, उसका मुँह देखो उसका ये, हालांकि इस तरह के बयान भी देते रहे जो नहीं देना चाहिए। आप लोगों की इस हवाले से जो भी राय हो कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।